तो अब हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, ओके? क्योंकि यार दो दो बार अल्ट्रासाउंड हो चुका है लेकिन फिर भी मतलब इसका पेट दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है। इसे हम लोग बना के तो लेके आए, एंड ये अचानक से बाहर निकल गई तो वहाँ पे मतलब फिसल के गिर गई है। तो मतलब उस दिन खेला बेबी, खेला ठीक ठाक ही खेला, एकदम अच्छी तरीके से खेला। की सुबह मेरी बहुत ही लेट होती है क्योंकि मैं 11 बजे उठता हूँ, और जब किचन में देखता हूँ तो मेरी कांची हम सबके लिए चाय बना रही होती है। फिर देखते ही देखते ये लेके भी आ गई, और आज तो हमारे पिताजी भी आए हैं, इसीलिए हम सभी लोगों ने गरम गरम चाय पी के अपने शुभ दिन का शुरुआत किया। और फिर मुझे अचानक से मेरी स्कूटी का याद आया, क्योंकि आज 3-4 दिन हो चुका है, वो अपने पुराने घर पे ऐसे ही पंचर पड़ा है, तो आज उसे लेके आएंगे और उसका पंचर भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। ऐसे हम तो नहीं कर पाएंगे, बस मैकेनिक के पास लेके जाएंगे। और मेरे साथ जा रहा है मेरा दोस्त, हम दोनों बचपन से ही दोस्त है, साथ ही एक स्कूल में पढ़े हैं, और अब तो हमारा घर भी यहीं आसपास हो गया। तो फाइनली हम अपना पुराना घर पहुंच गए जहां मैंने अपना स्कूटी छोड़ा था, और बेचारा देखो तो सही कितना बेरहमी से पड़ा है। चलो अब इसे निकालते हैं और इसका पंचर ठीक कराने ले चलते हैं। अब यहां पे मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि अगर हम लोग इसको चला के ले जाएंगे तो भी इसके टायर पे प्रेशर पड़ेगा, अगर हम लोग इसको बांध के ले जाएंगे तो भी इसके टायर पे प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि यहां पर एक आदमी तो बैठना ही पड़ेगा। और ये कह रहा है कि ये ट्यूबलेस टायर है, तो ट्यूबलेस टायर का यही तो बेनिफिट है, तो मुझे इसने मतलब सजेशन दिया। अब मैं क्या करो क्या ना करो कंफ्यूज हो गया, एंड ये कह रहा है कि मतलब चला के ले जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और अगर हम लोग इसको ठेल के ले जाएंगे तो भैया हम लोग कल पहुंचेंगे क्योंकि हमारा होम टाउन बहुत दूर है। एंड फिर जाके मैंने भी सोचा चलो धीरे धीरे इसे चला के ले चलते हैं, एंड हम दोनों ही दोस्त अपने पुराने घर से सीधा होम टाउन की तरफ निकल गए। और कॉलेज के सामने हमने अपना स्कूटी इन लोगों को बनाने दिया, लेकिन किसे पता था कि ये लोग इतना बड़ा कांड कर देंगे। अब हुआ है कि भाई हम इनके भरोसे स्कूटी बनाने देकर थोड़ा सा घूमने निकले, एंड आज सांडे मार्केट की वजह से रोड भी बहुत ही भीड़ था, तो हम धीरे धीरे करके एक होटल पे आए और यहाँ से हमने चिकन खाया। फिर हम जहाँ से वापस गराज पहुँचे तो मेरा स्कूटी बनके रेडी था, और ये लोग कहने लगे कि दो जगह पे पंचर हुआ था, 150 रुपए दो तो चलेगा। खैर मैंने भी हुआ होगा बोल के पे कर दिया और अपना स्कूटी लेके वापस घर की तरफ निकल गया, क्योंकि कांची भी मेरा पेट दर्द कर रहा है, जल्दी आओ कह रही थी। लेकिन आधे रास्ते पे आने के बाद पता चलता है कि मेरा स्कूटी का पीछे वाला ब्रेक फेल है, साथ में पीछे का चक्का भी ढीला है। इसे हम लोग बना के तो लेके आए, हम लोग इसे बना के तो लेके आए लेकिन इसका ये ब्रेक फेल है, ओके? उन लोगों ने मतलब ब्रेक अच्छी तरीके से टाइट नहीं किया, प्लस ये चक्का भी मतलब ढीला है। तो भाई अभी बहुत ज्यादा गुस्सा भी आ रहा है मेरे को, क्योंकि उन लोगों ने, ये देखो मैं यहाँ पर लेके जाता हूँ लेकिन ये ब्रेक मैं इतना जोर से मारता हूँ फिर भी ये नहीं होता, ये देखो ये मार रहा हूँ इतना जोर से, नहीं हो रहा है। खैर मैं उनके पास ये सोच के जाने वाला था कि बेचारे मेरे से छोटे है तो गलती हो गया होगा, लेकिन ये इधर रेडी होके बैठी हुई थी, और आज तो जैसे भी करके हमें हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है गाइस क्योंकि कुछ दिन पहले की बात है, जब रात को बारिश आया था तो ये मुझे बिना बताए बाहर निकल गई, और मैं भी इसे बोलना भूल गया कि मतलब संभाल के चलना, ऐसा बोलना भूल गया क्योंकि मैं एडिटिंग कर रहा था, एंड ये अचानक से बाहर निकल गई तो वहाँ पे मतलब फिसल के गिर गई है। तो मतलब भाई इसको मतलब थोड़ा सा दर्द हुआ, मतलब पीछे की तरफ प्रेशर पड़ा इसको, आगे तो नहीं पड़ा, लेकिन मैं धीरे से गिरी थी, उतना जोर से तो नहीं लगा। हाँ मतलब उतना जोर से नहीं गिरी थी ये, बट मतलब उतना जोर से नहीं गिरी थी, ओके? मतलब थोड़ा विस्तार से ही गिरी थी, बट फिर भी मतलब थोड़ा होने से भी मतलब कुछ तो होता है ना भाई, जब मतलब पीछे की तरफ से पूरा प्रेशर पड़ गया, अगर आगे की तरफ से होता तो मतलब शायद से मतलब भगवान ना करे कि ऐसा हो, हमें तुरंत ही हॉस्पिटल जाना पड़े। बट उस दिन इसे कुछ भी नहीं हुआ, ओके? बस बेबी मतलब थोड़ी बहुत खेला, ओके? अंदर खेल रहा था बेबी, तो मतलब आवाज वगैरह फील होता है, हमें भी मतलब इसको तो पूरा फील होता है, मेरे को भी सुनाई देता है, देखता हूँ ओके मैं भी कैसे खेलता है। तो मतलब उस दिन खेला बेबी, खेला ठीक ठाक ही खेला, एकदम अच्छी तरीके से खेला, बट इसलिए हमें भी ऐसा नहीं लगा कि मतलब ऐसा हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा, कुछ भी नहीं हुआ होगा, हम लोग शांत बैठे। और आज मतलब ये कह रहे हैं कि मेरा पेट दर्द हुआ है, और अभी आया तो ये रेडी होके बैठी थी हॉस्पिटल जाने के लिए, तो अब हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, ओके? फिर हम दोनों ही बहुत ही जल्दी जल्दी रेडी होके निकल गए, क्योंकि यार काफी शाम भी हो चुका है, लेकिन वो कहते हैं ना जब मुसीबत आती है तो दुम दबा के आती है, आज मेरे साथ वैसा ही हुआ, जो कि थोड़ी दूर पहुंचने के बाद मेरा स्कूटी का तेल खत्म हो जाता है। मैं कांची को यहाँ छोड़ के दौड़ते हुए दुकान जाता हूँ, और यहाँ से 1 लीटर तेल पकड़ के निकल ही रहा होता हूँ कि मुझे मेरा एक सब्सक्राइबर मिल जाता है, जिससे मैंने कहा कि भाई थोड़ा सा मेरा हेल्प कर दे, तो इसने मुझे अपनी बाइक में बिठा के यहाँ तक छोड़ दिया, और हम आराम से तेल भरा के हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। लेकिन ये देखो ना, आज सुबह सुबह यहाँ पे भयंकर एक्सीडेंट हुआ, बस मैं तो सुन रहा हूँ कि ड्राइवर एयरबैग की वजह से बच गया, इसीलिए मेरे भाई हमेशा अच्छी सेफ्टी रेटिंग वाली गाड़ी लेनी चाहिए। यार कोई ना, अब हम लोग इस वाली फार्मेसी पे आ चुके हैं, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो रहा था कि शायद आज संडे की वजह से डॉक्टर ना आया हो, और हमारा डाउट सही निकला, जो कि संडे के दिन सच में डॉक्टर नहीं आते है। लेकिन यहाँ से हमने सर्दी की टेबलेट ली, तो थोड़ी बहुत इनसे बातें भी की, और बातें करते करते मुझे ये बाजू वाले अंकल मिले जिनका बेटा मेरा वीडियो देखता है, और इन्होंने भी मेरा वीडियो देखा है। आपका वीडियो हम यूट्यूब में गया हूँ,
वहाँ देखा है। अच्छा लगता है ना, एक दिन ऐसा भी था जब मैं वीडियो बनाया करता था तो सब लोग मेरे ऊपर हंसा करते थे, मजाक उड़ाया करते थे, और आज देखो हर कोने कोने पे मुझे कोई ना कोई मिलता ही है जो मुझसे हंसते खिलते बातें किया करता है। फिर मैंने अंकल को बाय बाय कहा और हम आए राशन लेने। यहाँ से हमने थोड़ी बहुत दाल ली, साथ में कपड़े धोने वाले साबुन, 1 लीटर रिफाइंड तेल, तो थोड़ा सा पास्ता भी लिया जो मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है बट मेरी कांची को बहुत पसंद है, इसीलिए इसको भी आधा केजी पैक कराया और हिसाब किताब करके हम दोनों ही निकल गए। देन कांची कहने लगे कि हम दोनों को मम्मी ने बुलाया है। मैंने कहा क्यों, तो ये कहने लगे घर में बकरा काटा है, मटन भी लेके आएंगे, साथ में भैया के बेटे के लिए कुछ गिफ्ट भी लेके जाएंगे, क्योंकि हम कुछ दिन पहले बर्थडे पे नहीं जा पाए तो हमने यहाँ पे बैडमिंटन देखा बट इसके थोड़े कलर भी उगले हुए लग रहे थे, साथ में थोड़ा सा प्राइस भी हाई लगा, तो हम सीधा चले कपड़े लेने। यहाँ पे ये अंकल हमें बहुत सारी कपड़े दिखाने लगे जिनमें से हमें ये वाला कपड़ा पसंद आया, लेकिन इसको पैक कराया था कि तुम्हारी भाभी बेड कवर देखने लगी जिसे ये बस ऐसे ही देख रही थी। हम थोड़ी बहुत देख के यहाँ से निकले और अपना ससुराल पहुँचते पहुँचते काफी शाम भी हो गया, तो यहाँ पे मेरी सासू माँ हमारे लिए मटन पैक करने लगी, तो हम आए कांची के ताऊ के घर। और ये रहा बर्थडे बॉय जो कुछ दिन पहले 1 साल का हुआ है लेकिन लगता नहीं है ना, और साथ में इसका भैया भी आ गया जो बहुत ही शरारती है। स्कूल जाओगे? स्कूल में क्या पढ़ोगे? फिर काफी रात भी हो गया तो हम दोनों जल्दी जल्दी मटन लेके अपना घर निकल गए, साथ में इस वाली दुकान से ये बड़ा सा मिरिंडा भी लिया, और घर आते ही मम्मी को मटन दिया तो मेरी मम्मी खुद से ही मटन के साथ साथ खाना भी बनाने लगी। बहन में इधर सबको मिरिंडा बांटने के लिए ग्लास में डालने लगा तो सबसे पहले छोटी बहन को दिया और मैंने भी खाया, लेकिन मुझे तो याद ही नहीं था कि सासू माँ ने हमारे लिए रखती बूढ़ी भी भेजा है। आई थिंक समझ गए होंगे, जो बकरे का पेड़ के अंदर का जितना भी इंजन होता है उससे रखती बूढ़ी बनता है जो इतना टेस्टी होता है कि एक बार खाओ 100 बार उंगली चूसो। फाइनली गाइस हम लोग अपने घर पे आ चुके हैं एंड वहाँ पर क्या कुछ सीन हुआ आप लोगों ने देख ही लिया, जो कि आज संडे था तो वहाँ पर मेन डॉक्टर नहीं आए थे एंड लिटरली बता रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि यार दो बार अल्ट्रासाउंड हो चुका है लेकिन फिर भी मतलब इसका पेट दर्द अभी तक ठीक नहीं हुआ है। वैसे मतलब ये गिर चुकी थी तो मतलब उसके कारण थोड़ा सा हो सकता है बट फिर भी यार मतलब अभी और कितना बार अल्ट्रासाउंड वगैरह करना पड़ेगा मुझे पता नहीं। प्रेगनेंसी आई थिंक 2 बार क्या करते हैं ना, तीन बार करते हैं और एक बार है। ओके मतलब कितना मंथ है, 9 मंथ है। हाँ 9 मंथ है, और एक बार अल्ट्रासाउंड होगा एंड 2 बार तो ये हो चुका है आप लोगों ने देख लिया। ओके हाँ और एक बार है, तो मतलब अभी इसको मतलब थोड़ा ठीक तो हुआ है, मतलब थोड़ी देर पहले मतलब थोड़ा दुख रहा था इसको, मतलब इसको थोड़ा अजीब सा फील हो रहा था, शायद मतलब बच्चे को कुछ ना हो गया हो ऐसा मतलब सोच रही थी ये। ओके तो इसलिए हम लोग भी थोड़ा सा डर गए एंड चले गए बट आज डॉक्टर नहीं थे तो कुछ दिन बाद हम लोग फिर से जाएंगे। बाकी अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को एक लाइक करके जितना हो सके उतना शेयर कर देना। फेसबुक पे देख रहे हो तो हमें फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना, और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना रहा, बाय।